तो अपने जीवन में, अपने घर में अवश्य यज्ञ को सम्मिलित करने का प्रयास करें। इस यज्ञ में जो हम यज्ञ करते हैं, इसके अंदर अद्भुत प्रकार की शक्ति है, वातावरण को शुद्ध करने की शक्ति है। मिर्च खाते हैं आप लोग? मिर्च खाते हैं ना? मिर्च खाएंगे तो आपको स्वाद आता है उसका, और रसोई में आप लोग खाना बनाती हैं तो मिर्च कूटती भी होंगी। जब कूटती हैं तो कितनों को स्वाद आता है उसका? कितनों को स्वाद आता है? कुटी कुटाई आती है ना, तो कुटी कुटाई में तो पता नहीं क्या क्या मिला होता है उसके अंदर। तो आप बाजार में आप समझे कि आज की तारीख में जो चीज़ें आ रही हैं पता नहीं क्या क्या। जब कूटती थी पुराने ज़माने में, जब कूटती थी तो घर में कहते थे ना, अरे क्या कूट रही हो, खांसी लगा दी। यानी खाई नहीं उन्होंने, लेकिन कूटी तो सूक्ष्म हुई चीज़। और कभी मिर्च का जब छौंक लगा देती थी आप, तो सारे घर में छींक हो जाती थी। मिर्च एक आपने खाई तो स्वाद आपको आया, कूटी तो ज्यादा को आया, और जला दी तो और ज्यादा को आ गया। जब औषधि आप इसमें डालती हैं, यज्ञ में आप डालते हैं, क्या क्या डालते हैं? अगर, तगर, नागर, मोथा, बाल छड़, छाड़, छबीला, गूगल, चंदन, कपूर, कचरी, ये सब औषधि डालती हैं। तो जब गूगल को डाला इसके अंदर, 1926 की रिसर्च है बर्लिन यूनिवर्सिटी की, एक इंच स्क्वायर गूगल जलाने से 3200 स्क्वायर फीट के अंदर जितने प्लेग के और टीबी के बैक्टीरिया होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, सो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। हमारे क्या कहा गया, घर से भूत भाग जाते हैं। अगर आप कहोगे घर में जाकर कि भैया इसको जलाओ, इसे टीबी के बैक्टीरिया भाग जाएंगे, आप कहोगे मैं बीमार हूँ कोई? आप कहोगे मैं बीमार हूँ कोई? कोई बीमार है ही नहीं। लेकिन हमारे क्या कहा, घर से नेगेटिविटी दूर हो जाएगी, ठीक है ना? तो क्या कहा गया, घर से तमाम परेशानी दूर हो जाएंगी, परमात्मा प्रसन्न हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, अरे नित्य प्रति जला दिया करो। तो इतनी सुंदर चीज़ आप यज्ञ में, अगर आप इसका आदि भौतिक व्याख्या नहीं समझते हैं तो कम से कम इतना ही समझ लो। चंदन आप सुंदर बनने के लिए लगाते हैं, फेस पैक लगवाते हैं चंदन का, तो यदि उसको और बढ़िया तरीके से आप उसको थोड़ी सी आहुति में उपयोग करेंगे तब उसका कितना सुंदर उपयोग होगा। कपूर डलता है ना, हमारे बच्चे क्या होते हैं, जब आरती लेके आते हैं तो बच्चे ऐसे उसको लेते हैं। सोचें जब कपूर ऐसे लेकर आप उसके अंदर जो फ्यूम्स हैं उसकी, उसके अंदर इन्हेलेशन लेते हैं, तो क्या होता है, उसके अंदर जो जो आपका बेसिकली जो फ्यूम निकला, उससे आपका नज़ला, जुकाम, इम्यूनिटी, इन सबको ठीक करने के लिए कितनी सुंदर चीज़ है वो, और उसका उपयोग आप यज्ञ में करते हैं। तो इतनी सुंदर तरीके से आप सोचें कि जो आप उपयोग कर रहे हैं, हमारे यहाँ क्या धूप का उपयोग किया जाता है, धूप। आज समस्या क्या हो गई है, धूप पहले घर में बनाते थे देसी घी का उपयोग करके और तेल का उपयोग करके। आज मार्केट ने, अभी माता जी बोल रही थी कि बाजार से बनी बनाई आती है चीज़, पता नहीं उसके अंदर क्या मिलाते हैं और क्या क्या चीज़ बेच देते हैं। आज जो धूप है ना, समस्या क्या हो गई है, उसके अंदर मोबिल ऑयल यूज़ करने लगे बाजार के लोग। मैंने उनसे पूछा, एक दिन आया एक व्यक्ति कि भैया धूप बनाता हूँ। मैंने कहा देसी घी यूज़ करते? बोले नहीं हो सकता, यूज़ ही नहीं कर सकते देसी घी। मैंने क्यों नहीं कर सकते? बोले जलती नहीं है, वो सूख जाती है बीच में, फिर लोग खरीदते नहीं है। मोबिल ऑयल डालते हैं ना, पूरा जल जाती है नीचे तक। तो क्या आज हमारी चीज़ों को गलत तरह से उपयोग किस प्रकार से किया, तो आप समझे कि हमारी संस्कृति को और हमारी देखा देखी बहुत सारे और लोगों ने इसका फ्यूम यूज करना कर दिया। धूपबत्ती अगरबत्ती का इस्तेमाल आप जानते हैं? हमारे धूपबत्ती का इस्तेमाल होता है, अगरबत्ती का इस्तेमाल नहीं होता। अगरबत्ती का हमारी देखा देखी बहुत सारे और लोगों ने शुरू कर दिया। ये ईरान के क्षेत्र से हमारे यहाँ अगरबत्ती आई और उन्होंने उसमें बाँस का उपयोग किया। हमारे यहाँ बाँस कभी नहीं जलाया जाता, बांस का उपयोग नहीं किया जाता कभी। बांस में लेड होता है और उसके अंदर इस प्रकार के तत्व होते हैं जो आपके अंदर जाके नुकसान करते हैं। तो इसलिए हमारे यहाँ धूप रखी गई शुरू से कि धूप का उपयोग करें, कि धूप का उपयोग करने से उसमें गूगल की धूप, अलग अलग प्रकार की धूप। आज बहुत सारी सुंदर ऑर्गेनाइजेशन हैं जिन्होंने गाय के कंडे से धूप का उपयोग बनाना शुरू किया है,
और सुंदर तरीके से धूप का उपयोग करना शुरू किया है, तो वो सब के सब आपके लिए बड़ी उपयोगी है, तो उन सब चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं। तो आप अध्यात्म को अपने जीवन में इसी रूप से लेने का प्रयास कीजिए, आपके जीवन में कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा। अध्यात्म को जगाइए, इन कथाओं को समझिए, तो आपके जीवन में बड़ा सुंदर तरीके से अद्भुत रूप से लाभ प्राप्त होगा। आप सुंदर तरीके समझे कि अभी हमारे उत्सव आने वाले हैं, अभी 3 दिन बाद शिवरात्रि का महापर्व आने वाला है, हम सब भगवान शिव की आराधना करने के लिए सबके सब ले लोटा भगवान के ऊपर, ले लोटा भगवान के ऊपर, वही एक लोटा मेरा भी ले ले, एक लोटा मेरा भी ले ले, एक लस्सी ले ले, एक ले ले ले, एक वो ले ले, सबके सब हम डालने के लिए सब कार्य करेंगे सबके सब। कभी शिव पत्र चढ़ाएंगे, कोई तो कोई ऐसे पटक पट के जा रहे हैं, उठा उठू के कुछ भी करे जा रहे हैं, यार भोलेनाथ हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सुंदर बहुत ही शिवरात्रि का महापर्व जो है एक ऐसा सिद्ध मुहूर्त है, ऐसा सिद्ध मुहूर्त है कि उस समय सबसे ज्यादा मन एकाग्र होता है, और मन एकाग्र होता है परमात्मा की तरफ। परमात्मा की ऐसी ऐसी सुंदर कथाएं विद्यमान है, आपने बचपन से सुनी होंगी कथाओं के माध्यम से, कि एक व्यक्ति रात्रि में शिकार करने गया, भूल गया जंगल में, और उस रात को जंगल में डर लगा, तो कहाँ जाऊं, तो एक पेड़ दिखाई दिया, उस पर चढ़ गया। जब चढ़ गया उस पेड़ के ऊपर, तो बेलपत्र का पेड़ था, उसमें थे कांटे, कांटे थे तो चुभते थे, चुभता था तो वो हिलता था, अब हिलता था तो पत्ते गिरते थे। अब आप कहोगे भैया पत्ते गिरेंगे कैसे, मैं तो चढ़ता हूँ तो हिलेंगे नहीं, कौन सा महीना चल रहा है, पतझड़ का महीना चल रहा है, शास्त्र में कहीं कोई गलत बात नहीं लिखी है, आपके बच्चे खट से पप उठेगा, अरे पत्ते मैं तो चढ़ता हूं तो गिरते नहीं, पत्ते इतनी जोड़े जुड़े होते हैं कैसे गिर जाएंगे, पतझड़ का मौसम चल रहा था, नीचे भगवान का शिवलिंग विद्यमान था, जब वो हिलता था तो पत्ते गिरते थे, बिना कारण के वो पत्ते उसके द्वारा भगवान को समर्पित थे, सुबह सुबह पुण्य जागा, भगवान की कृपा प्राप्त हुई, प्रसन्नता प्राप्त हुई, और स्वयं भगवान शंकर ने, यही भाव है कि बिना किसी आकांक्षा के, बिना किसी आकांक्षा के जो कर्म करोगे, हम तो क्या करते हैं कि छोटा सा कर्म करते हैं, भगवान गाड़ी भी दे देना, भगवान बच्ची की नौकरी भी लगवा देना, ये मुकदमा चल रहा है इसमें भी जीत दिलवा देना, भगवान और तो और ये पड़ोसी परेशान कर रहा है उसके भी सत्यानाश कर देना और तो भगवान ये बीमार चल रहा है इसको भी ठीक कर देना, और जो पैसे रुके हुए वो पैसे लेके भागा हुआ है उसको भी वापस ला देना मतलब किया क्या, कितना एक घूट से भी निमित्त मात्र काम किया, और लिस्ट लेके तैयार कर दिया, भगवान ने कहा आया भिखारी भगवान भी कहेगा आ गया मांगने के लिए, भैया कुछ नहीं इसको देने के लिए। तो अगर कोई आदमी आपके आसपास हो और रोज मांगने आता हो, आपके सामने अगर डोर बेल बजाई तो पहले कहते हैं भाई मना कर दियो उसको कि रोज इसकी विडंबना सुनने का टाइम नहीं है, 2 दिन बाद आप भी कहोगे, तो यही स्थिति तो कहीं मेरी और आपकी है नहीं कि हम मांगने चले जाते हैं। वो बिना किसी कारण के चढ़ा पेड़ पर, बिना किसी कारण के पेड़ पर चढ़ा, और उससे वो कृत्य जो हुआ वही पुण्य का माध्यम है। आप इसमें भ्रांति उत्पन्न ना करें, भ्रांति उत्पन्न हो जाती है ना, इस भ्रांति को दूर करना ही इस कथा का माध्यम है, उसके रहस्य को समझना इसका कारण है। वो जो चिंतन ऐसा हो जिसका कोई वास्तविक आपने मनीषा ना पाल रखी हो कि मुझसे यह प्राप्त हो जाए, प्रार्थना तो स्वीकार की ही जाती है। समस्या क्या है कि इतना सा अगर आपके पास 100 रुपए आ रहे हैं और 1000 मांगने वाले तैयार हैं आपके पास से, तो क्या होगा कि जैसे ही बैंक में पैसे आएंगे वो सब प्रोराटा बेस पे सब डिस्ट्रीब्यूट हो गए, अब आपके हाथ में तो आया क्या, कुछ नहीं आया ना। तो समस्या यही है कि पुण्य इतना सा हुआ। बहुत सारे लोग कहते हैं जब हम प्रार्थना करते हैं पता नहीं भगवान सुनता है कि नहीं सुनता, अरे प्रार्थना तो वो चीज है कि आपने करी और वो स्वीकार हुई। तुलसी मेरे राम को रीज भजो या खीज, सबने संत ऐसा कोई मन में प्रश्न नहीं हो सकता कि जिसका जवाब हमारे शास्त्रों में न दिया गया हो। आप इतने बुद्धिमान नहीं हो सकते कि आप कहते ना मैंने तो ऐसा प्रश्न किया कि जिसका कोई जवाब आज तक किसी ने सोचा ही नहीं। अरे आपसे भी बड़े बड़े महा 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 पहुंचे हुए मूर्ख विद्वान नहीं कहूंगा, प्रश्न जो करता है ना विद्वान नहीं करता, विद्वान जो होता है वो अंतर चिंतन से उस प्रश्न का जवाब ले लेता है, प्रश्न मूर्ख ही करता है। तो इसलिए वो क्या करता है कि वो
जो अपने आप चिंतन से नहीं कर पाया तो वो पूछता रहे आपके सहले पहले प्रश्न। हर व्यक्ति शास्त्रों में इतना अध्ययन करके उन जवाबों को लिखा गया है। तुलसी मेरे राम को रीज भजो जो कीज, जो बीज पड़ता है जमीन पर ना वो उल्टा दले चाहे ठीक दले, वो फूट गए तो प्रकृति अपना कार्य कर ही देगी, उठ के तो आ ही जाए।